अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में जिन लोगों के घरों में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको भगाने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा और कामयाब नुस्खा लेकर आई, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में मच्छर नहीं होंगे और ना ही आपको काटेंगे। जब मच्छर काटते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे मलेरिया बुखार हुआ, टाइफाइड बुखार हुआ, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा चिकनगुनिया के अलावा बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें लग जाती हैं, जो हमारे लीवर के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है मच्छर काटने की वजह से, तो हमारा जिगर जो है उसमें एक जरासीम होता है, वो बैठ जाता है छुपका, जो कि हमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मच्छर को भगाने के लिए आज मैं कामयाब नुस्खा लेकर आई हूँ। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक पाव नीम के तेल में कफूर की टिक्कियां, जो मैंने छोटी छोटी कर ली हैं, ये कफूर की टिक्कियां होती हैं, दो मेरी टिक्कियां जिनको मैंने टुकड़े कर लिए हैं, आपने दो कफूर की टिक्कियां जो है नीम के तेल में डालकर अच्छी तरीके से हिलाकर मिक्स करके किसी बोतल में महफूज कर लें। शाम को मगरिब के वक्त आपने क्या करना है, कमरे में मिट्टी के चिराग में नीम का तैयारशुदा ऑयल जो है वो आपने डाल देना है और इसको जला देना है चिराग को। इससे जो उठने वाले धुएं से मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। ये धुआं हमारे लिए बहुत मफीद है, इससे जो है आपको जो मच्छर काटेगा उससे जो है आपके जरासीम आपके नहीं अंदर हो जाएगा और उसके जरासीम से आप महफूज रहेंगे। और ये एक बहुत उम्दा कामयाब नुस्खा है। इस तेल को आप जिस्म पर भी लगा सकते हैं और इस तेल से मच्छर, जब आप तेल लगाएंगे तो मच्छर आपको काटने से मजबूर हो जाएगा, तो मच्छर आपसे दूर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये कामयाब नुस्खा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपको मच्छर नहीं काटेगा। और मच्छरों के काटने की वजह से हमें जो बीमारियाँ लगती हैं उसका इलाज बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा इलाज होता है, 2-3 महीने हमें इलाज करवाना पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी में दर्द रहता है। इसलिए मच्छरों का आज बेहतरीन नुस्खा आपको जो है बता दिया है, मच्छर भाग जाएंगे पूरे घर में और मच्छर फिर नहीं आएंगे। आप ये अमल रोजाना करें और ये नीम का जो तेल है ये ख़राब नहीं होगा, बनाकर आप रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। आज की खूबसूरत बात, कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश है। कोशिश से गलती, गलती से सबक से तजर्बा और तजर्बे से कामयाबी हासिल होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेकबान।